एवरीवन, मैं हूं विचित्रा एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक ऐसी फेस एंड बॉडी पैक जो आपके चेहरे के या बॉडी के सालों पुराने दाग धब्बों को दूर करेगा, पिगमेंटेशंस को रिमूव करेगा, चेहरे की छाइयों को हटाएगा, जो भी काले स्पॉट्स होते हैं, ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, उससे भी रिमूव करने में मदद करेगा, चेहरे को फेयर करेगा, इवन टोन करेगा स्किन को। स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है ये रेमेडी, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छी सी रेमेडी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पर्सनली इसे यूज़ किया है और दाग धब्बों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा, आपको इंस्टेंट फ़र्क नज़र आएगा चेहरे की दाग धब्बों के लिए। इवन आप इसे पिंपल्स है या एक्ने हैं तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, कह सकते हैं कि स्किन की सारी समस्याओं का ये समाधान है, सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है ये। तो इस होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिए आप लोग, बहुत ही अच्छी सी होम रेमेडी है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये होम रेमेडी। Without wasting much more time, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तैयार करते हैं अपना मैजिकल होम रेमेडी। तो इस फेस मास्क को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 1 चम्मच मसूर दाल का पाउडर। मसूर दाल चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने में मदद करता है, स्किन को फेयर करता है। साथ ही में मैं यहाँ पे ले रही हूँ लिक्वराइज पाउडर, मुलेठी का पाउडर। पिगमेंटेशन के लिए रामबान है मुलेठी का पाउडर, बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए। और मैंने लिया है सैंडलवुड पाउडर, चंदन का पाउडर, ये भी दाग धब्बों को दूर करने में मदद करता है। और ये है कस्तूरी हल्दी। आप किचन वाला हल्दी ना यूज़ करें, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ किचन वाला हल्दी ना यूज़ करें। और साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ दूध, तो मैंने लिया है कच्चा दूध। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करें और अपने चेहरे पे अप्लाई करें। दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन भी अगर है आपको तो वो भी ठीक हो जाएगा इस पैक को, अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो। फेस क्या, अपने फुल बॉडी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस फेस पैक को। तो फेस पैक तैयार हो गया है, इस फेस पैक को लगाते हैं। मैंने जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किया है सब नेचुरल है। और एक और चीज़ है ना, इससे फेशियल हेयर भी रिमूव होगा। जब ये ड्राई होगा तो इसे आप रब करके जब हटाएंगे तो इससे फेशियल हेयर भी रिमूव होगा। चेहरा गोरा होने के साथ साथ फेशियल हेयर भी इससे रिमूव होगा, क्योंकि इसमें है मुलेठी। मैंने एक वीडियो बनाया है फेशियल हेयर को रिमूव करने के ऊपर। तो बस फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए ये जो मैंने पैक बनाया है उसे थोड़ा सा थिक बनाएं और अपने फेस पे लगा ले, जहाँ जहाँ अपर लिप्स, जहाँ जहाँ आपके चेहरे पे बाल है, और उसे उसके अपोजिट डायरेक्शन में रब करके, जब वो हल्का सा ड्राई हो जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में रब करके उसे निकाल ले। बस मैंने अप्लाई कर लिया है, इसे फुल बॉडी में आप अप्लाई करें। नहाने से पहले इसे बना लें एंड फुल बॉडी में अप्लाई करें। और पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये सारी रेमेडी आप ट्राई करते हैं ना तो आप पार्लर भूल जाएंगे, कॉस्टली मेकअप प्रोडक्ट्स भी भूल जाएंगे, स्किन केयर प्रोडक्ट्स। इतना अच्छा है ये और इतनी अच्छी इसकी रिजल्ट है। तो बस मैंने अप्लाई कर लिया है, ड्राई होने तक का वेट करूंगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। बस अभी मैंने अपना चेहरा वॉश किया है और तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये होम रेमेडी, मेरा ये फेस पैक। ऐसा नहीं है कि मैं अपने वीडियोस में मैंने बस बेसन और हल्दी मिला दिया और बस इसे लगा लो और रातों रात गोरा हो जाओ, ऐसा नहीं। ऐसा कोई भी ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं है, नेचुरल की बात मैं कर रही हूँ, जो आपको रातों रात आपके स्किन टोन को फेयर कर देगा। और वो अच्छा भी नहीं है ना। मैं स्किन टोन को बहुत ज़्यादा फेयर करने में बिलीव नहीं करती हूँ। स्किन अगर अच्छा रहेगा, ग्लोइंग रहेगा ना, तो आप सुंदर दिखेंगे। ग्लोइंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि स्किन इवन टोन्ड और ग्लोइंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, इवन टोन होना चाहिए। इस चीज़ पे आई थिंक ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि फेयर होने पे। हाँ, फेयरनेस भी आ जाएगा आपका, जो अगर आप ये जो सारे होम रेमेडी जो आप अप्लाई करते हैं तो फेयर आप हो जाएंगे, कुछ हद तक फेयर हो जाता है स्किन। तो वो जो फेयरनेस जो आता है नेचुरल इंग्रेडिएंट से, वो नेचुरल वाला फेयरनेस आता है। अगर आप कोई हैवी केमिकल या ब्लीच अप्लाई करते हैं तो वो जो फेयरनेस आता है वो फेयरनेस नहीं कहेंगे। वो चेहरा जो होता है, वो स्किन का जो एक लेयर होता है वो जल जाता है, तो वो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर बैक टू सेम हो जाएगा स्किन। बट ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट हम जो यूज़ करते हैं, इससे जो स्किन है वो धीरे 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 थोड़ा टाइम लगता है, बट स्किन जो है वो साफ हो जाता है। तो बस अब मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर स्किन केयर या हेयर केयर के ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय।